नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। पंचनामा चल रहा है पंचायत का और हम आ गए हैं राघोपुर के 11 नंबर वार्ड में। बहुत लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे हमें कि राघोपुर की 11 नंबर वार्ड में बहुत दिक्कत है, तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे नहीं आते। तो यहाँ पर चाची आप ही बताइए क्या है हालत पर वार्ड नंबर 11 का। हमारा पति क्या विकलांग है ना, कुछ मिले या हमारा मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं। घूस मांगा छन, हम घूस कहाँ से दे, गरीब आदमी अति कहाँ से घूस दे। घूस मांग रहे हैं। हाँ अच्छा, और सब समस्या सब ठीक है ना? हाँ। और सब काम करवाया मुखिया जी? ना कुछ न कर लेना। काची काची नहीं करा है? नल जल आया है? हाँ नल जल है। राशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? ना। उम्र नहीं हुआ है? ना उम्र नहीं हुआ अभी तक? ना कहिया ना है उम्र। अच्छा आपका बताइए दादी, आपका उम्र हुआ है कि नहीं? ना वो पैसा मिलेगा कि ना पैसा ना मिलेगा निकला ये वृद्धा पेंशन के भेटाइया? कितना महीना में? 400। राशन भेटाइया? नल जल वो है, है ना। अच्छा ये सड़क बड़ा अच्छा दिख रहा है, पूरा वार्ड नंबर 11 का रोड ऐसा ही है? ये पातर 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 है। छह इंची बनवाना था, 6 इंच का नहीं है? बाहर बताया बाहर बताया कुछ करवे ना करे मुखिया चाहे वार्ड कथी कर, कोनो काम नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे हम तो बात कर लिए इन लोगों से, अब आप बताइए चाचा यहाँ पे क्या हालत है वार्ड नंबर 11 का? काज कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं। मुखिया जी कुछ काम नहीं किए 5 साल में? सब करते हैं, छोड़ 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 लिख के ले गया, फोटो खींच के ले गया, आए थोड़े नहीं बैठे। समिति कुछ काम किया है कि नहीं यहाँ पे? अच्छा समिति कुछ नहीं किया, इधर आइएगा तो ना हम खुद ही से बोले। आइए इधर आइए, बताइए समिति यहाँ पे मिला है कि नहीं? कुछ कुछ नहीं मिला है। कभी मिलने ही नहीं आया? कभी मिलने नहीं आया। अच्छा समिति कौन यहाँ पर है? यहाँ पे कोई जीता हुआ ना? मुस्लिम है, हम मुस्लिम है। और शहीद के बेटी ये कौन जान पहचान हुआ मुस्लिम है? वो मतलब मुस्लिम कास्ट से है, नाम नहीं जानते। नहीं नाम नहीं जानते, मतलब जीत गए पहचान भी नहीं रहे। क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिया है तो उसको कैसे पहचाने हम लोग? ये साल भर हुआ है रोड बने हुए, देख लीजिए कितना इस रोड में क्या है, सारा रोड टूट चुका है, आगड़ पागड़ निकल गया इसमें तो, पूरा उखड़ रहा है बीच से, वो सारा उखड़ रहा है, हर जगह टूटा हुआ है, आगे भी चल करके देख लीजिए सारा टूटा हुआ है। 1 साल का ही बना हुआ है ये राघोपुर पंचायत में, कोई ऐसा काम नहीं है जो सही काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। मतलब पूरे राघोपुर में अच्छा से काम नहीं हुआ? 11 नंबर वार्ड का सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, पूरे पंचायत की बात कर रहा हूँ। नहीं हुआ है जी, आप बताइए। राघोपुर पंचायत जाइएगा, राघोपुर पंचायत में जानकी स्थान कहा जाता है। हाँ। जो मुखिया जी के करीब का जगह है। अच्छा। जहाँ वो रहते हैं ना, वह जगह के लिए थोड़ा सा देखिएगा तो लाइट वगैरह ये सब है, जो अपने ही जगह को साफ रखे हुए हैं और जगह से मतलब उनको। अच्छा, लाइट का बोल रहे थे, यहाँ पे सोलर लाइट लगा है कि नहीं लगा है? नहीं 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 लगा हुआ है, सोलर लाइट नहीं है। आप बताइए क्या बता रहे थे आप, कहाँ लगा हुआ है? मुझसे तक 11 नंबर जहाँ वार्ड है, वार्ड नंबर है जहाँ, वहाँ हम लोग पानी में बहुत तकलीफ किए थे, कई बार हमने कहे जाइए यहाँ रोड बनवाइए। अच्छा, तो लाइट के बारे में क्या बता रहे थे आप? लाइट नहीं लगा है? लाइट नहीं लगा हुआ है। लाइट नहीं लगा है, रात में अंधेरा रहता है इधर, पूरा अंधेरे में ही रहते हैं यहाँ से स्कूल से लेकर के और मिथनापुर स्कूल तक, अंधेरा ही अंधेरा है। मुखिया जी से आप लोग बोले हैं लाइट लगवाइए इधर साइड में? हाँ हाँ बोला गया हुआ था, लेकिन बोले कि आश्वासन दिए कि लगेगा, लेकिन आज तक लगा नहीं, आज तक लगा नहीं है। अच्छा आप स्कूल के बारे में बता रहे थे, उधर स्कूल का क्या हालत है? यहाँ पे स्कूल है जो मेरा ठीक ठाक है, लेकिन उस टीचर का कमी है। टीचर का कमी है हमारे स्कूल में? टीचर का कमी है। आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल है? नहीं सरकारी स्कूल है। अच्छा मतलब हमको लगा कि आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल है। नहीं नहीं हमारे गांव का है तो हम लोग अपना स्कूल में मानते हैं। अच्छा तो वहाँ पे स्कूल में शिक्षकों की कमी है? मात्र दो टीचर है। दो टीचर बस? बच्चों के स्कूल है कि बड़ो मतलब प्लस टू है? पांचवा तक है ना, पांचवा तक ले प्राइमरी। अच्छा प्राइमरी स्कूल है, उसमें बस दो टीचर है? दो टीचर है, पहले उसमें कितना टीचर थे? चार चार टीचर थे। और ये हमारे एक पवन सर हैं जो राघो हमारे ही पंचायत के हैं, जो टीचर हैं, जो स्कूल में कभी नजर नहीं आते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं? तनख्वाह लेते हैं लेकिन हमारे स्कूल में नजर नहीं आते हैं। मतलब वहाँ पे
वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं, आते नहीं हैं। आते नहीं है, बोलते हैं कि मेरा डिप्टेशन वहाँ है, ब्लॉक में है, कभी हम ब्लॉक में है, कभी मुजफ्फरपुर है, कभी सीतामढ़ी है, तो कभी कांटी है। ये सज्जन का नाम क्या बताए? पवन सर। हाँ पवन सर। पूरा नाम क्या है पता है? पवन कुमार। पवन कुमार हवा में उड़ रहे हैं अभी। अच्छा आप लोग और बताइएगा कुछ, वार्ड नंबर 11 में और कोई समस्या है? राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, हाँ। हमारे यहाँ राशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे घर बना है, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बना है सबका? जातिवाद घर बना है। जातिवाद कैसे बना है? जातिवाद का मतलब समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं हम कि जातिवाद में जो उनके मुस्लिम है, जो अभी बोल रहे हैं कि अभी के क्या सूची बोलते हैं, हाँ सूची जो बना इससे पहले वाला में जो था जिसका, हाँ। वो उसका भी नाम नहीं आया है, सिर्फ उनके बिरादर लोग का ही नाम आया है। जो अब चलिए हम आपको दिखाते हैं घर, कितना घर मिला है वो भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे आप यहाँ पे मूसाचक गांव जो बोला जाता है 11 नंबर वार्ड, यहाँ सब कमा के खाने वाले लोग हैं। अगर हमारे गाँव में ये मूसाचक गाँव में ये मस्जिद की तरफ छोड़ करके आइए, आप दरी पट्टी छोड़ के आइए, हमारे गाँव में कितना घर मिला है इसके बारे में थोड़ा सा आप गांव में जाके ही घूम के पता कर लीजिएगा। आप गांव के ही हैं ना? बिल्कुल गांव के ही हैं। अच्छा कोई ये पद वद पर भी हैं आप? जी नहीं मैं कोई पद पे नहीं हूँ। मतलब एक आम जनता ये सारी बातें जानती है और बता रही है, आप बताइए क्या बता रहे थे, आपकी क्या हालत है? यहाँ पे घर मिला नहीं है? ना घर नहीं मिला। अच्छा और ये जो वृद्धा पेंशन है यहाँ पे सबको मिल रहा है वृद्धा पेंशन? आपको नहीं मिल रहा? नहीं हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा? आप पूछे है मुखिया जी से कई बार, कहे तो अभी उम्र नहीं पूरा है। उम्र कम है? हाँ। अच्छा कितना साल है आपका? हाँ 65 हो जाएगा। अच्छा आधार कार्ड पे कितना है? आधार कार्ड में वो ना दिखवाना होगा। मतलब कम है, खराब हो गया है आधार कार्ड पे उम्र? अच्छा तो जी आप बताइए, इधर आइए। मतलब जिसके पास पक्के का मकान है उसी को मकान मिल रहा है? ये योजना थोड़ी है, झोपड़ी वाले को मिलने वाला? नहीं इधर झोपड़ी वाले को नहीं मिल रहा है, मकान वाले को मिल रहा है। अच्छा ये कौन कर रहा है? रिक्वेस्ट है, ये काम कौन कर रहा है? ये जो दे रहा है क्या कर रहा है, दूसरा कौन करेगा? मुखिया कर रहे हैं। वही तो है मुखिया वार्ड जो उनका प्रतिनिधि कर रहे हैं। समिति का आप लोग कह रहे हैं कि हम देख भी नहीं किए नहीं, नहीं, खड़ी है, नाम तो हमको बता नहीं रहे हैं। अच्छा जिला पार्षद का क्या हालत है बाबा? यहाँ पे जिला पार्षद के बारे में भी थोड़ा हमको जानना है। नाम है सीता देवी। सीता देवी? हाँ सीता देवी, आज तक के बीच में कभी नजर नहीं आया वो भी। चलिए इनका नाम तो आप लोगों को पता है लेकिन दिखी नहीं है कभी? दिखी नहीं है कभी क्षेत्र में, हम लोग को दिखाई नहीं दिए। तो अच्छा एक बात बताइए, इन सब का तो ऑफिस भी है, तो ऑफिस में ये लोग कभी मिलते हैं? आप लोग कभी शिकायत लगाए हैं ऑफिस में जाके? को पता भी नहीं है कहाँ ऑफिस है, घर तो जानते हैं लेकिन ऑफिस कहाँ से तो हमको भी पता नहीं है। ऑफिस के बारे में नहीं पता है? किसी को पता नहीं ऑफिस कहाँ? अच्छा मतलब पता, ये काम कहाँ से चलता है सब नहीं पता अभी जी? चुनाव आने से पहले गाँव में वो पर्ची बांटा जाता है उनका फोटो लगा लगा के। जो लड़का लोग आया तो कहे तुम लोग इस फोटो को लेके चले जाओ, जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट है उनको भेजो। मैं भगा दिया था इनको यहाँ से। इस बार का बात है? इस बार का बात है। तो आगे कुछ उधर से रिस्पांस आया कि ऐसे क्यों मेरी जनता कह रही है? कोई मैसेज नहीं है उधर से, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी कोई आईबो नहीं किया है। अच्छा तीन चार लड़के रखे हुए हैं जो गाँव गाँव में फोटो बंटवाते हैं इलेक्शन के समय, आपको 5,000, 10,000, 20,000 दे के इसे खरीद के चुनाव जीत रहे हैं अभी, यही तो है। तो ये हाँ कैंडिडेट को चेहरा नहीं देखे है, 5 साल ये लास्ट हो गया। मुखिया का नहीं देखे? नहीं नहीं अभी मुखिया कैंडिडेट नहीं देखे हैं, कैसा है किस रूप में है हम लोग नहीं देखे हैं। मुखिया भी नहीं आई है? मालूम नहीं चलता है। अच्छा तो यहाँ पे काम कौन करवाता है, मतलब हवा में कुछ आते हैं? 6 लड़का है उनके पास, वो सब मुखिया है, कोई भी काम कर सकता है। हाँ हाँ मतलब चलिए बढ़िया है, ये सारी बातें तो हम मुखिया जी से ही पूछेंगे कि क्यों नहीं आती हैं लोगों के सामने और यहाँ पे उनके काम उनके बेटे लोग करते हैं। खैर यहाँ पे हम आए हुए हैं राघोपुर की 11 नंबर वार्ड में, लोग कह दे यहाँ पे बहुत तकलीफ है। अब यहाँ पे हम कुछ लोगों से तो बात कर लिए हैं, बहुत समस्या है कि अभी तक अपने जिन्हें उन्होंने वोट दे के जिताया था उन्हें देखे भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये है राघोपुर की असलियत। चलिए आगे हम और भी चीजें आपको बताएंगे कि ग्राउंड पे बात क्या है, ग्राउंड की हालत क्या है, 5 सालों में क्या क्या काम हुआ है और जनता की क्या रह गई है समस्या बाकी।
आगे और भी वीडियो में ये सारी बातें और भी जगह होगी, बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ फोर टुडे के साथ। अभी चलते हैं, धन्यवाद।